गुड मॉर्निंग गाइस, इंडियन क्रिकेट टीम वाले नहीं आए यार, मुझे तो 7 दिन घूमना है इनके। और उनका एटीट्यूड जो पोस्ट है जिंदगी है, यहाँ पे काफी आर्टिस्ट आ चुके हैं। और ये है अपना राहुल और ये भाई। हाय, साई प्रसाद नाम है मेरा, बट लोग साई ही बोलते हैं। हाँ, साई बोलते हैं। तो ये अपना रूम है, आज रात के लिए यहाँ पे हम चिल करेंगे। और बाकी भाई के साथ दोबारा हम जा रहे हैं विजिट करने ऊपर। चलो फिर मिलते हैं आपको ऊपर ही। एक बार ही हम आए थे ऊपर से, और अब भाई कहने लगे कि अब दोबारा चलते हैं। उस टाइम सनसेट पॉइंट पे हम गए थे गर्ल टाइम पे, बट अब हम दोबारा जा रहे हैं, काफ़ी दूर है वैसे तो। और अब हो गया थोड़ी ठंड, इसलिए हमने जैकेट निकाल ली गई जैकेट दिए भाई ने। हमारे पास कोई जैकेट नहीं थी, भाई के पास काफ़ी जैकेट थी, तो भाई बोले कि चलो मेरी जैकेट ले लो। जैकेट डाल के थोड़ा ठीक मुझे फील हो रहा है, नहीं तो यार बड़ी ठंड लग रही थी। धूप निकल रही है, पर फिर भी मौसम ऐसा हो चुका है कि यार ठंड वाला हो चुका है। भाई ने भी डाल लिया जैकेट। शाम के टाइम यार रौनक बढ़ चुकी है पूरी। ये है हेरिटेज मार्केट की सबसे मशहूर दुकान। ये बन में समोसा डाल के यहाँ पे देते हैं, और ये एक ही दुकान है, काफ़ी फेमस दुकान। और अब हम यहाँ पे बन टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे काफ़ी आर्टिस्ट आ चुके हैं, और ये इनका जो बन समोसा और बन गुलाब जामुन काफ़ी फेमस है, और यहाँ पे खा के गए हैं। ये हम भी अपना ये खा रहे हैं, ये अपने भाई और ये राहुल और ये हमारे, और ज़बरदस्त है, काफ़ी टेस्टी है। अगर आप आओ तो यहाँ पे जरूर ये टेस्ट करना एक बार। दोस्तों, आप इसको समोसा बर्गर कैसे, सेम बर्गर जैसे टेस्टी, और टेस्टी तो बहुत ही लाजवाब है। डेफिनेटली आप यहाँ पर आओगे तो ये तन्नू समथिंग नाम है, यहाँ पर जरूर आना, बन समोसा यहाँ पर मिलता है। और भाई अपने बॉम्बे में भी मिलता है, बॉम्बे में ये समोसा पाव करके मिलता है। अच्छा अच्छा, पर यहाँ की जो टेस्ट है वो अलग है बहुत। अच्छा, वो समोसा पाव के टेस्ट अलग है। बॉम्बे में किस जगह है वो? वो तो आपको नाके नाके भी मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वहाँ पर समोसा, ये समोसा पाव, वड़ा पाव, ये मुंबई की कॉमन आइटम। हाँ, वड़ा पाव तो काफी फेमस है। कैसा लगा आपको ये? मुंबई के समोसा पाव की एक अलग टेस्ट है, और इसकी अलग है। तो ऐसा नहीं कि वो समोसा पाव के, यहाँ पर आके डेफिनेटली ट्राई कीजिए। 50 रुपये की प्राइस है इसका, और वर्थ है, एक बार तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। राहुल कैसा लगा ये? और मुझे भी बहुत टेस्टी लगा, अगर आप भी आओ तो ज़रूर टेस्ट करना हेरिटेज मार्केट में। उस टाइम यहाँ पे काफ़ी धूप थी, और दोपहर का टाइम था, धूप तो अभी भी है, बट अभी टाइम 6:30 हो चुका है। और ये मिनी सनसेट पॉइंट है, बट हमें अभी ऊपर जाना है, तो ऊपर जाके जो मेन सनसेट पॉइंट है वहाँ पे बस सनसेट होने से पहले पहले पहुँच जाएं। फाइनली पहुँच चुके हैं हम सनसेट पॉइंट पे, और बस सामने ही है, वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है सनसेट का। अभी सनसेट में टाइम है, हमें लग रहा था कि लेट हो जाएंगे, बट काफ़ी पहले पहुँच गए। अभी भी फिर भी 20 मिनट लग जाएंगे सनसेट होने में। चलो फिर अब सनसेट का नज़ारा दिखाते हैं आपको। पहले यहाँ पे काफ़ी कम ही लोग थे, और अब जैसे सनसेट होने वाला है तो यहाँ भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। स्पेस काफ़ी कम है यहाँ, और भीड़ होती जा रही है यहाँ। दोपहर आया था उस टाइम पूरा खाली था ऑलमोस्ट, और अब नीचे भी भर चुका है। बस सनसेट भी होने वाला है 10 मिनट में। Sun is going to be set. भाई कर लिया कैप्चर आपने? हाँ, कर लिया ना भाई। कैसा लगा फिर? यार एक नंबर। और मैं सनसेट तो मैंने लाइव देखा है। अच्छा अच्छा, सनसेट तो जब मैंने प्रीवियस था आधे घंटे पहले किया था। अच्छा अच्छा, तो सनसेट मैंने लाइव देखा, बहुत प्यारा। अच्छा अच्छा अच्छा, और यहाँ पर देखिए ये पेड़,
और दूसरा जैसी सनसेट हुआ ठंड कैसे होगी, एकदम हवा सी चल गई। और उसके बाद चलेंगे मेडिटेशन पॉइंट पे। यस डेफिनेटली। और भाई मुझे आइडिया भी नहीं था, मैं सोचा था कि सनसेट नॉर्मल होगा जस्ट, बट यार जैसे ही गया ना एक नंबर व्यू यार, मजा ही आ गया, मतलब आना वर्थ हो गया। कि यार जबरदस्त था, बाकी तुमने देख ही लिया होगा, मैंने टाइम लैप्स भी लगाया और वैसे नॉर्मल भी लिया। वापिस सुशी शॉप पे आ गए, पहले बन समोसा टेस्ट किया था, बन गुलाब जामुन भी टेस्ट करते हैं। ये सारा आगे चंडीगढ़ की लाइटिंग जल रही है सारी, और यहाँ से जाने का रास्ता है मेडिटेशन पॉइंट के लिए। ये शेर आ गया भाई, रास्ता यहाँ पे इतना खतरनाक है कि मतलब डर सा भी लग रहा है। अब चलें या क्या करना है? चलें वापिस। तो दोस्तों अभी रात के 9:15 बज चुके हैं और हम लोग यहाँ पर मेडिटेशन पॉइंट पे आए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, अंधेरा है। ये जो सामने आप लाइट देख पा रहे हो, ये पूरा वहाँ पर राइट साइड का जो कॉर्नर है वो वहाँ पर चंडीगढ़ है। 9 बज चुके हैं और अब हम आ गए मेडिटेशन पॉइंट पे। अब उसके बाद जाके खाना खाएंगे, फिर सोएंगे और कल सुबह की वापसी दिखाता हूँ। यहाँ से सारा चंडीगढ़ दिख रहा है, ये है सारा चंडीगढ़ और ये है मेडिटेशन पॉइंट। ये रहा ज्ञान होटल, यहीं पे अपना रूम है और ये बिल्कुल ऊपर पास में ही सामने ही है मेडिटेशन पॉइंट, बट ज़्यादा मुझे कुछ खास लगा नहीं, बस नॉर्मली प्लेस है, 2-3 झूले लगे हुए हैं, कुछ खास नहीं है। साईं भाई बैठे हैं रूम पे, उनको हमने रूम पे ही भेज दिया था क्योंकि हम जहाँ पे हमने रूम लिया वो कह रहे थे कि हम भी खाना वगैरह करवा देंगे, तो इसलिए भाई को भेज दिया वहाँ। बट अभी फ़ोन आया भाई का तो वो बोले कि वहाँ खाना नहीं है, तो हमने खाना पैक करवा लिया यहाँ से के लिए। चलो फिर ठीक है, गुड नाइट। घर से हम चले थे मैं और राहुल, और हम ये सोच रहे थे घर से जब चले थे कि हम दोनों ही जाएंगे और वहाँ पे एंजॉय करेंगे, बट हमें नहीं पता था कि भगवान ने ऐसा सबब बनाया कि हमें साई भाई मिले जो कि बॉम्बे से हैं, और भाई के पीछे किट पड़ी है पूरी ट्रैवलिंग की, ट्रैवलिंग हाँ, और भाई सितंबर से ट्रैवल कर रहे हैं, और आज हम मतलब इतनी वाइब हमारी कनेक्ट होगी कि हम अपना एक ही रूम में बैठे, हमने वहाँ पे बाहर एक रूम लिया था वो हमने छोड़ दिया, वो मैंने पहले भी बताया था, अब हम बैठे हैं पार्टी कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं और खाना खुना खा रहे हैं, मतलब अपना पास्ट की बात प्रेजेंट की बात सब फ्यूचर प्लान सब डिस्कस कर रहे हैं, तो मतलब हमने भी नहीं सोचा था ये कुछ होगा, है ना। और वाइब कितनी मतलब पॉजिटिव वाइब से हम दोनों की इतनी मैच हुई, मतलब यार मुझे मिलकर तो इतनी भाई से खुशी हुई, तो मैं फ्यूचर का भाई ने बताया कि आगे कहाँ कहाँ जाने का सीन है, तो मतलब मैं यही सोच रहा कि यार भगवान ने कैसा एक बनाया होता है सीन कि कनेक्टेड रहते हम। तो भाई आपका क्या सीन है इस चीज़ में, मतलब क्या आप कहना चाहोगे? दोस्तों देखो क्या है ना, मैं अभी 3 दिनों से हिमाचल चंडीगढ़ से आया हूँ, चंडीगढ़ से अभी 3 दिनों से मैं घूम रहा हूँ ना, बहुत अलग अलग टाइप के लोग मिले और सब बढ़िया। जैसे कि मैं अभी पहले दिन चंडीगढ़ में था तो वहाँ पर ट्रेन में से एक बंदा मिला, उनके साथ मैंने रूम शेयर किया, बस में बैठा तो एक फैमिली मिल गई जो सोलन की है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सोलन आ जाना, वहाँ पर मेला लगा है तो वो कल मिलने वाले, और आज तो मैं यहाँ अकेला ही आया था, बोला यार सब लोग तो निकल गए, मतलब कोई तो अकेले ही रूम पे रहना था आज, तो मैं रूम बस देखते देखते आया था, और मेरे हाथ में कैमरा देख के भाई ने पूछ लिया यार कि व्लॉगिंग करते हो क्या, तो पूछा भी नहीं डायरेक्ट निकल के सब्सक्राइब कर दिया चैनल, और बाद में बताया कि मेरा भी व्लॉगिंग चैनल है, 2-4 चीज़ें पूछी विद इन 5 मिनट के टाइम था, उसमें हम लोगों ने इतनी बात की, जैसे हम लोग सोचते ना 2-3 साल पुराने हम लोग
पहचानते हैं सालों साल, वैसे था यार ये। तो ये जो एक कनेक्शन होता है ना, जो वेवलेंथ कहते हैं, उसके लिए अभी राहुल भी, अभी राहुल भाई भी बोल रहे कि यार हम इन दोनों का प्लान था कि अब ये दोनों बस आज के दिन नाइट आउट करेंगे और इन दोनों का तीसरा किसी को लेना नहीं था, लेकिन वो अभी राहुल जी बोला कि यार हमें लग ही नहीं रहा है कि कोई तीसरा है और हम लोगों में और फील हो रहा है। तो ये कनेक्शन होता है दोस्तों। तो ये जो आज का दिन है वो मेरे लिए तो ऐसे बहुत सारे रिमेम्बरिंग होती है चीज़ें, बट आज का जो दिन है ना मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा रिमेम्बरिंग इसलिए है कि कुछ लोग रहे ना सालों साल हम लोग जानते हैं, लेकिन उनसे ना वाइब कनेक्ट नहीं हो रही, लेकिन कोई जो रहता है ना जस्ट बोलते ना चुटकी बजा दे, वो इतने खास लगते हैं ना कि यार ऐसे लगता है सालों सालों से जानते हैं। तो भाई ये दोनों है ना उसी टाइप के बंदे, मतलब आज का दिन, इसके बाद हम लोग 5 साल बाद मिलेंगे ना तो, या फिर 10 ट्रिप भी कर ले, लेकिन आज के दिन की याद है ना वो सालों साल ताज़ा रहने वाली है। तो यही रहता है कि ये जो लाइव रहते हैं ना वो ये जो मोमेंट है ना जीने वाला, ऐसे नहीं कि अभी सब कुछ खत्म हुआ, पूरी रात पड़ी है, हम लोग रात को और 2-3 घंटे गप शप लड़ाई गए यहाँ पर, कल सुबह फिर से यहाँ पर हम लोग को आधा घूमना है, सॉरी वो घूमेंगे फिर से यार, जाते वक्त तो कितना दिल पे बोझ लगेगा यार, चल जा रहे हैं यार, मुझे तो 7 दिन घूमना है, इनके भी याद आएगी मेरी, लेकिन कोई नहीं, यही एक चीज़ थी समझ रहा कि कभी ये मुंबई में आ गए तो यार मुझे भी लगेगा यार मेरा भाई आ रहा है, मैं कभी अंबाला होगा तो हक से इनको फ़ोन कर पाऊंगा, ये भी भाई निकाल के ड्राइव आ जाएंगे। तो ये सब बातें होती है, बट क्या होता है ना, एक होते हैं टूरिस्ट और एक होते हैं ट्रैवलर। तो टूरिस्ट क्या करते हैं ना कि यार 2-4 प्लेसेस उनको पता रहती है, वो घूम लेते और चले जाते हैं, और उनका सब कुछ प्लान रहता है कि यार मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी, आज मैं यहाँ जाऊँगी, कल वहाँ जाऊँगी, ट्रेन पकड़ना है, रिटर्न, मैंने आने का टिकट बुक किया, जाने का अभी भी नहीं किया है, मुझे पता भी नहीं था कल तक कि मैं आज कसौली आने वाला हूँ, तो कसौली आ गया, भाई से मिल रहा है, सब कुछ अनप्लान्ड है, मतलब हमारा ज़िंदगी भी हमारी अनप्लान्ड ही रहती है, हमको पता है कल क्या होने वाला है, लेकिन हम लोग जब हम इस मोमेंट पे का मजा लेते हैं ना यार, तो खुल के जीते हैं। और ये बात बताऊँ, जब से इनसे मिला हूँ ना ऐसे लग ही नहीं रहा कि यार मैं किसी अलग बंदे से बात कर रहा हूँ, या फिर कुछ जैसे मुझे दिखे ना, मैं बोला चलो हमारे मेरे साथ ही रहो लोग, ऐसे भी मन में 1% भी डाउट नहीं आया कि यार अननोन पर्सन है कैसे क्या बोलूँ। और जैसे वो भाई बात कर रहे ना, राहुल भाई तो बाद में मिले, खैर यहाँ पर चिराग भाई जब मिला तो उसके बातों से ही कनेक्ट हो गया, पहले तो 5 मिनट राहुल शांत था, मुझे लगा यार बंदा कैसे रहा कैसे नहीं, लेकिन बाद में तो भाई भी शुरू हो गए तो खैर अभी थोड़े थके राहुल भाई, लेकिन कल के दिन जो भी हम लोगों का अभी से ये मोमेंट से टाइम बचा है वो भी हम लोगों को और भी ज़्यादा, जितने अभी तक मजे किए ना और भी ज़्यादा जीना है। तो देखना नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो हम लोग जाते वक्त फिर से एक बार बनाएंगे, तब और भी कुछ ना कुछ तो मेमोरेबल रहेगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल, चलेगा दोस्तों। तो यार ये मेमोरेबल वीडियो याद रखना चिराग, मैं तो ये स्पेशल तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, वीडियो डिलीट मत करना। नहीं भाई ये मेरे YouTube चैनल पे डलेगी, बिल्कुल डलेगी, इसलिए बना रहा हूं मैं। और दूसरी बात, मुझे मतलब मेरा तो सीन ये रहता है कि भाई मुझे मेरे टाइप के बंदे मिल जाए तो मैं अपने आप को एक लाइव फील करता हूँ, कि मेरा ये रहता है कि भाई मुझे ऐसे बंदों के साथ ही रहना, और भाई मैं अभी से कल का सोच रहा हूँ कि यार आप तो चले जाओगे हम भी चले जाएंगे, कि मैं चाहता हूँ कि हम मिले दोबारा, ये चीजें मतलब रिपीट और हम जिए, मतलब यार हो जाएगा यार देखना, ये डेफिनेटली होगा एक ना एक दिन। राहुल भाई तब भी आना, कोई भी रीजन मार के आना, लेकिन आना जरूरी है। और भाई ने इतनी हमें बॉम्बे की बातें बताई, उस टाइम से हम बातें ही कर रहे हैं, रस्ते में भी करते रहे, अब भी बातें इतनी चल रही है, पता नहीं कब तक रात को हम सोएंगे, बॉम्बे के बारे में करी हम अपनी बता रहे हैं बातें। तो मतलब यार अब तक का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है लाइफ का, कि मुझे ऐसा पर्सन कोई मिला नहीं, मतलब कि ट्रैवलिंग करते हुए। तो आई होप आगे हम फिर दोबारा फ्यूचर में डेफिनेटली भाई, अच्छे से एंजॉय करें। चलो ठीक है फिर, गुड नाइट, बाकी सुबह मिलते हैं।